एक ऐसी चीज जिसका आविष्कार हुआ था चीजों के व्यापार में आसानी करने के लिए। वैसे पैसे का आविष्कार किसने किया था वो आज तक एक राज़ी है। पैसे इतनी बुरी चीज है तो लोग इसके चक्कर में इतने गलत काम क्यों करते हैं? अब इससे क्या साबित होता है? ये कि पैसा बना था व्यवहार के लिए और ये चीज बुरी कही जाती है, पर ये उतनी जरूरी भी है। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ खरीदने के लिए किया जाता है? वैसे जवाब तो हाँ है, पर हमारे यहाँ लोग कोई ना कोई नई चीज जरूर लाते हैं। अब मेरा मतलब यह है कि अगर मैंने बोला कि पैसे का इस्तेमाल सामने वाले को क्या बुलाया जाए इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या आप मानोगे? अब इन तीन शब्दों में कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने जैसा भी नहीं, ना इनमें कुछ बुराई है। अब इसका आसान से ही मतलब निकलता है कि अमीर जिसके पास पैसे बहुत है, मिडिल क्लास जिसके पास ठीक ठाक पैसे है, और गरीब जिसके पास किसी वजह से कम पैसे है। ये तो आसान सी बात है, पर इस चीज़ को मुश्किल कर दिया हमारे यहाँ के लोगों ने। तीन शब्द बने इसीलिए थे ताकि मेजर कर सके कि सामने वाले के पास पैसा कितना है। पर हाँ, ये चीज़ कुछ और ही बन गया, अभी इतना बोल सकते हैं, मतलब जैसे आपसे कैसे पेश आया जाए वो बन गया। टीचर ने मुझसे एक बात की थी 2-3 साल पहले और ये मुझे आज भी याद है कि कैसे अगर कोई इंसान अमीर हो पर दिल का बुरा हो तो भी उसको लोग इज्जत देते, और अगर इंसान कोई गरीब हो और फिर भी दिल का अच्छा हो पर उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो अमीर वाले को इज्जत देंगे भले वो एज ए ह्यूमन कितने खराब क्यों ना हो। और ये बात मुझे अभी भी हिट करती है। अब ये सब शुरू होता है अपने घर से। जैसे कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि हम इस रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो इनसे तमीज से बात करो, इनसे घुल मिल के बात करो, इनके साथ ही रहो, और हाँ इन्हीं की मतलब ऐसे तारीफ करते रहो बीच बीच में। फिर आते हैं स्कूल और कॉलेजेस पे। आपने देखा ही होगा कि एक स्कूल में मतलब हर जगह एक अमीर बंदा रहता है जिसके आजू बाजू लोग घूमते रहते हैं, और होता यह है कि उसी से ही दोस्ती करता है। फिर बाद में सब लोगों को बताते फिरते हैं कि देखो ये अमीर बंदा मेरा दोस्त है, ये सब वो सब। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बारे में बात करने जाओ तो कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें कमाने से किसने रोका है। पहली बात तो मैंने जिन लोगों से ऐसी बातें सुनी है उन लोगों ने उनके सो कॉल्ड प्रॉपर्टी पे एक रुपए की मेहनत नहीं की होती है, पर हाँ वो लोग अकड़ पूरी दिखाते हैं, फिर बाद में डिसरिस्पेक्ट से दूसरों को ट्रीट करते हैं। आई मीन वाई? अभी आप अपने जॉब या बिजनेस की बात कर लो, लोग पहले ये पूछेंगे कि आप कमाते कितने हो, इससे वो कैलकुलेट करते कि आपको इज्जत कितनी देनी है नहीं देनी है। अगर आपने गलती से अमाउंट कम बता दी या कम रही और वो बता दी तो लोग फिर बोलेंगे मेरा ही काम अच्छा है, तुम्हारा ये सब करके फ़ायदा क्या फिर। और अगर ज़्यादा रहा तो फिर वो लोग बोलेंगे कि मेरा फ़ायदा भी करा के दे, ऐसा क्या अकेले अकेले और ये सब। अब बात यह है कि ये लोग है ना, मतलब जो लोग रहते हैं जो आपको पूछते कि आप कमाते कितने हो, तो फिर वो आपको आपके पैसे देख के आपको इज्जत भी देते हैं और नहीं रहे तो नहीं देते, और ऊपर से फिर मतलब के लिए दोस्ती रखते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है। नहीं होगा कि लोग एज ए ह्यूमन बींग सामने वाले को अच्छा है बुरा इसलिए डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि उसके पास कम या ज़्यादा पैसे है। ज़्यादा पैसे वाले को एज ए ह्यूमन बींग अच्छा डिक्लेयर कर देते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, एंड वाइस वर्सा। अभी पता नहीं लोग ऐसा सोचते क्यों। वाला होना गलत बात नहीं है, पर हाँ सिर्फ तुम पैसे वाले हो उस वजह से तुम सामने वाले को नीचा दिखाते हो तो ये गलत है।